हेलो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मेरा काम शुरू होता है, मतलब सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए। आज मैं पूरे दिन दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो लास्ट तक देखिएगा। और डिफरेंट डिफरेंट एक काम नहीं करती मैं, कई जगह जाती हूँ। मैं सुबह से ही ड्यूटी पे निकल जाती हूँ, हालांकि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ कि कोई जॉब नहीं करती हूँ मैं। तो अब ये है, अभी मैं टीवी को बंद कर देती हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया और तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब मुझे जाना है। तो टीवी का स्विच ऑफ करके मैंने प्लग निकाल दिया। और आज मैं जल्दी जल्दी, सबसे पहले मैं अपने रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कई दिन से जा रही हूँ तो आज मैं दो तीन जगह जाऊँगी जो डॉक्टर दिख जाए हॉस्पिटल में। एक जगह नहीं मिले तो दूसरी जगह जाऊँगी, क्योंकि टाइम का पता नहीं है ना मुझे, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल जा रही हूँ। दो दिन से जा रही थी तो डॉक्टर उठ जा रहे थे, तो चलते हैं। आज मैं दिखाती हूँ आप लोग को कहाँ कहाँ जाती हूँ। 9 बज रहे हैं अभी से ही। मैं अपने काम पे, थोड़े पेट में दर्द भी हो रहा है इसलिए चिंता हो गई कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी ना निकल जाए, ऑपरेशन ना कराना पड़ जाए इसलिए। हाँ, तो देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर। दो तीन दिन से ट्राई कर रही हूँ कि मैं रिपोर्ट दिखाऊँ, अल्ट्रासाउंड कराया है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को पूरे दिन की वीडियो दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको जय श्री राम और सबको राधे राधे, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा मॉर्निंग शुरू हो जाता है काम का। नहीं, मॉर्निंग इस टाइम से नहीं, बल्कि 6 बजे से मैं जग जाती हूँ और उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाती हूँ जो अभी है। तो अभी मैं निकल रही हूँ अपने काम के लिए। काम के लिए बहुत सारे काम, नौकरी नहीं करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं जॉब कर रही हूँ कहीं, तो जॉब नहीं करती हूँ मैं। फिलहाल जा रही हूँ, कुछ हेल्थ इशू है तो अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ खुद को। तो इसके बाद मैं अपने काम पे जाऊँगी। जैसे मैं दो चार काम करती हूँ, ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पे, चैनल पे जाके देखिएगा, रीता मिश्रा ब्लॉग, और उसमें रीता मिश्रा भी लिख सकते हैं, रिजॉइसिंग लाइफ विथ रितु, ये मेरा ब्लॉग है। तो इस पर भी जा सके देख सकते हैं कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले आज की शुरुआत, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं उठ के तैयार हो गई, तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने हेल्थ को लेके, हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट दिखानी है। अल्ट्रासाउंड कराया मैंने तो उसकी रिपोर्ट दिखानी है, और साथ में ट्रीटमेंट के साथ ही फिर अपना पूरे दिन वर्क पे रहूँगी। शाम को लौट के मिलती है आप लोगों से, और शाम को 6, 7, 8 तो बज ही जाते, 7 बज जाएगा, 6 बज जाएगा। उसके बाद घर पे आके अपना काम घर पे करती हूँ। तो सभी लोगों को एक साथ राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सबको बोल दिया, क्योंकि एक एक के रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं मेरा शेड्यूल इतना टाइट होता है कि मॉर्निंग से लेके रात तक मैं गुड मॉर्निंग सबको नहीं, एक साथ ही इसलिए करती हूँ क्योंकि एक एक लोगों को रिप्लाई करूँगी तो मैं पूरे दिन यही करती रह जाऊँगी और कोई काम नहीं कर पाऊंगी जिसका मुझे कोई बेनिफिट है नहीं। तो सब लोगों को एक साथ, और कोई ज़रूरी बात हो तो ही मैसेज किया करें, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे सारे लोगों का मैसेज देखती हूँ, तो आप लोग कोई ज़रूरी हो तभी मैसेज किया करें, इम्पोर्टेंट बात ही। और ये मत पूछिए कि खाना खाया कि नहीं, कैसी है कैसे है, तो मैं अभी रिप्लाई कर दे दिखा दे रही हूँ ना, अभी मैं कैसी दिख रही हूँ बताओ, स्वस्थ दिख रही हूँ फिलहाल। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर ज़्यादा देखना है तो हमारे लाइफ से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेरी लाइफ के बारे में रीता मिश्रा ब्लॉग चैनल है, और इसके साथ ही आप हमारा गूगल पे भी फोटो डालेंगे तो हमारा चैनल भी आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स सबको नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये हमारे घर के पास एक स्कूल, यहाँ पे एक जॉब वैकेंसी निकली है तो मैं यहाँ पे बात करने आ गई हूँ टीचिंग की जॉब के लिए। ये है स्कूल, मदर कॉन्वेंट स्कूल। तो
खाली बैठने से अच्छा है कहीं जॉब कर लूँ ताकि फिक्स सैलरी आए। और यहाँ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ इसके डॉक्टर के जाने से पहले, अब मैं इसके बाद डॉक्टर के पास जाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ वैकेंसी दिखी इसलिए मैं आ गई। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं हमारी डॉक्टर मिल गई थी और ये है बनवारी लाल हॉस्पिटल। बनवारी लाल हॉस्पिटल में डॉक्टर मिल गई थी, तो मैंने अभी रिपोर्ट दिखा ली, दवाइयाँ लिख दी, कोई विशेष ज़्यादा कुछ नहीं बताई है, बस दवाइयाँ लिखी। पिछली बार दवाइयाँ भी नहीं लिखी थी। अब मैं आ गई हूँ मंडी हाउस और यहाँ से मैं राजघाट की तरफ जाऊँगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारे अपोजिट में है, जहाँ पे चल रहा है रंग महोत्सव। मैं आ गई राजघाट और यहाँ गांधी दर्शन म्यूजियम में जो है अपना कुछ 2-3 घंटे 4 घंटे काम करूँगी, उसके बाद फिर आईटी हो जाऊँगी मेडिसिन लेने। चार बज गया और मैं निकल गई अभी यहाँ से राजघाट से, मुझे आईटीओ जाना है मेडिसिन लेने, तो जल्दी से भाग के नहीं जाऊंगी तो वो जन हस्ती की मेडिसिन बंद हो जाती है, वहाँ थोड़ी सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं कम रेट पे, तो इसीलिए जा रही हूँ। इसके बाद जाऊंगी मैं कंप्यूटर क्लास। तो चलो फ्रेंड्स, देखते रहो, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये है आईटीओ का फ्लाईओवर ब्रिज। मैं मेडिसिन लेने यहाँ आई थी और अब मुझे मेडिसिन मिल गया, टाइम से पहुँच गई। थोड़ा भाग भाग के आई थी मैं, मुझे लगा बंद हो जाएगा लेकिन मिल गया। अब रोड के उस तरफ है आईएमए हाउस और रोड के इस तरफ आना है, 2 किलोमीटर है, इसलिए थक गई मैं। तो चल चल के हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे, 1-2-3 किलोमीटर कैसे चल देना पड़ता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर जगह गाड़ी नहीं जाती है। फ्रेंड्स, सब काम करते हुए मैं घर आ गई, मेडिसिन भी ले लिया, सब्ज़ी भी ले लिया, थोड़े थोड़े सब्ज़ी लेके आती हूँ, ज़्यादा लेके नहीं आती हूँ, लेकिन जो है मेरा बैग ना इतना भारी हो जाता है यहाँ तक सामान लाते लाते। अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को। अब शक्ल देखिए कैसा हो रहा, 12 बज गया, 12:06 बज रहे हैं और थक भी गई हूँ मैं। मेडिसिन भी लेना था, डॉक्टर के पास भी दिखाना था, फिर इंस्टीट्यूट भी जाना था। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। आपने देखा मैं 9-10 बजे से निकले 6:30 बजे तक घर आ गई। पूरे दिन चलते फिरते ही टाइम बीत जाता है और बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिलता। लंच भी कर लिया मैंने वैसे ही टाइम पे। तो हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मेरा फिक्स कोई जॉब नहीं है इसलिए मुझे पूरे दिन भागते दौड़ते रहना पड़ता है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को पता चले मैं क्या क्या करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।